हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज प्रॉमिस्ड टू यू, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया व्लॉग इन विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सम मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स ऑफ माय बेस्टीज वेडिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरी बेस्टी की शादी होने वाली है औरंगाबाद में, तो हियर इज़ द डे, आज उसकी वेडिंग है। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा क्यूटी मूमेंट्स। वैसे गाइस, आर यू न्यू टू माय चैनल? इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपको मेरे चैनल पर रोज ऐसे ही न्यू न्यू कंटेंट एंड ब्लॉग्स मिला करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द वेडिंग, जो होता है बे कलश। सो एज यू कैन सी, हम लोग रेडी हो रहे हैं बे कलश के लिए। तो ये हम आ गए हैं नीचे जहाँ पे फंक्शन चालू है। ये जो कलश दिख रहे हैं ना सेंटर में, इनकी होती है पूजा। एंड इसको लेती है लेडीज़ अपने सर पे या फिर अपने हाथ में, एंड फुल टू ढोल वोल के साथ नाचते हुए हम जाते हैं अंदर। फुल टू धमाल किया यार, बहुत डांस किया यहाँ पे। एंड अब हम तैयारी कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की। एंड ये देखो परेशान दुल्हन। बोल बोल की तो बोल। लेट्स बिगिन अ क्वेश्चन आंसर राउंड विद पायल। पायल पायल, क्या फील हो रहा है? हाँ, सो आना नेहा, लेट्स आस्क हर सम क्वेश्चंस। एक आदत ऐसी होगी जिससे आप इरिटेट हो जाते होंगे। मोस्ट अननोइंग ऑफ निखिल जी। हाँ, ये इतनी शरीफ नहीं है, ये गालियों के अलावा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव फूड, आवर लंच इज रेडी। देखो आफ्टर द लंच सीन्स, ये हो रही है चुपके चुपके डांस प्रैक्टिस। शादी की यूनिवर्सल प्रॉब्लम, टाइम ही नहीं मिलता है डांस प्रैक्टिस करने को यार। अभी हो रहा है माहेरा, एंड माहेरा इज काइंड ऑफ फंक्शन इन विच लड़की या फिर लड़के के मम्मी के फैमिली के साइड से गिफ्ट दिए जाते हैं वेडिंग में। तो लेट्स सी क्या होता है मायरा, मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी झलक। ओके, सो एज यू कैन सी वहाँ पे दुल्हन की मम्मी है, एंड इस साइड उसके फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, एंड गीत गाते हैं, मारवाड़ी गीत होते हैं। सो यही सब होता है माहेरा। हेलो, अभी जस्ट मायरे का फंक्शन खत्म हो गया, एंड आप देख सकते हो हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी जो दुल्हन है बेचारी, यू नो वी आर अप्लाइंग नेल पेंट टू ईच अदर। पायल अप्लाई करेगी नेहा को, नेहा अप्लाई करेगी मुझे, और मैं अप्लाई करूँगी पायल को, या फिर मैं नहीं भी करूँगी तो भी चलेगा, मैं नहीं करूँगी इसको अप्लाई। पायल तुझे काम करना है। नहीं ना, पक्का पक्का। अच्छा, बाय द वे, वी आर अप्लाइंग सेम शेड ऑफ नेल पेंट। क्या हम लोग सेम शेड अप्लाई कर रहे हैं? तू दुल्हन जैसे क्यों बन के बैठी है? क्योंकि मैं ये बिचारी देखो, ये बिचारी देखो, और मुझे तो साइड ही कर दिया यार, मुझे डाल ही नहीं रहे, मुझे रिमूव भी करना है। इसी मैंने नेल आर्ट किया था पायल की शादी के लिए, जो कि बहुत गंदा था। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जो भी होने वाला है संगीत का। हमें जल्दी से प्रिपेयर करना है हमारे संगीत के फंक्शन के लिए। नया बहुत नाटक मत कर, सामान दिखा। हाँ नहीं, सामान दिखाओ। हाँ। अच्छा ठीक है, ऑन ऑन ब्राइड्स डिमांड हम लोग देखते हैं उसका सामान। ओके सी, सो हमने तैयारी करके रखी है पायल के, यू नो, संगीत में पहनने वाले ड्रेसेस की। ये घाघरा, ये बहुत ही प्रिटी सा घाघरा है अगेन।
ये ब्लाउज है एंड यू नो ये पर्टिकुलरली डिजाइंड है. इसके ऊपर एक बहुत अच्छा यू नो ये हैंडवर्क का दुल्हा दुल्हन भी डला हुआ है. ये जब पहनेगी ना वो, तब मैं आपको इसकी पिक शेयर करूंगी. हाँ तब तक के लिए बाय. गई दिख रही है कौन ही दिखी पायल. आई एम शाय. आई एम सो शाय. आई एम नॉट शाय. आई से And this is my Sangeet look, classic Garara outfit. फाइनली संगीत हो गया है ख़त्म एंड हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज बिकॉज बहुत दिन मतलब पूरा दिन लगातार हेक्टिक था एंड बैक टू बैक बहुत सारे रिचुअल्स थे. सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ दिस व्लॉग. सेकेंड पार्ट ऑफ द व्लॉग जल्दी ही अपलोड करूँगी जिसमें यू नो शादी जो मेन शादी होती है एंड जो निकासी बोलते हैं हम लोग जहाँ पे दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के आता है वो वाला पार्ट अपलोड करूँगी. ज़रूर देखना एंड डू कमेंट कि आपको कैसा लगा व्लॉग. एंड अदर देन दैट अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब बिकॉज आपको रेगुलरली हर कुछ दिन में ऐसे ही न्यू कंटेंट मिलते रहेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. डू सब्सक्राइब एंड ऑल लाइक वॉच पार्ट 2. बाय बाय.